क्या मोबाइल की सिम अगर आप लोग यूज करते हैं या फिर आप मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं या आपने मंगवा ली होगी, मंगा ली है तो अगर एक्टिवेशन में कुछ दिक्कत आ रही है, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास में कुछ पिक्चर हैं एक्टिवेशन को लेके, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि इस तरीके की अगर प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि आपकी सिम तो दिखा रही है कि एक्टिवेट हो चुकी है, अफसर से भी वेरीफाई हो चुकी है, इंटरनेट आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना, क्या आपकी इसमें कुछ कस्टमर केयर मदद कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप सलाम मोबाइल के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। अगर आप सभी को जानना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अवान्टिकोड, मैं जाफर खान, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग सलाम मोबाइल की सिम यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत फेस करते होंगे या फिर एक्टिवेशन में कुछ प्रॉब्लम आती होगी। कुछ इस तरीके की अगर प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अफसर वेरीफाइड आपका अकाउंट हो चुका है, बट यहाँ पर जैसे ही आप सिम को एक्टिवेट करते हैं या फिर लॉगिन करने के लिए जाते हैं, यूज करने के लिए इंटरनेट जाते हैं, तब वहां पर लिख के आता है उप्स समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन लेटर, इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो इसी टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं। तो चलते हैं सलाम मोबाइल की वेबसाइट पे और देखते हैं कि किस तरीके से सलाम मोबाइल से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सलाम मोबाइल के कस्टमर केयर या फिर सपोर्ट से। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि आ चुके हैं सलाम मोबाइल की वेबसाइट पे और यहाँ पर सबसे ऊपर आपको टॉप कॉर्नर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस एंड कंप्लेन का नंबर, कंप्लेन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जा रहा है, तो हमें इनसे कॉन्टेक्ट करना है तो हम यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करेंगे। पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सलाम मोबाइल की ओर से थ्री टाइप्स के नंबर यहाँ पर शो हो जाते हैं, कॉल सेंटर नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर। कॉल सेंटर अगर आप आउटसाइड के ऐसे हैं तो आप नीचे नंबर दिया गया इस पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर इनसाइड हैं यानी सऊदी अरब में है तो आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आउटसाइड या इनसाइड कहीं पर भी हैं और आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये नंबर है व्हाट्सएप का, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहां से आप मैसेज करके यहां पर ईमेल, अपना नाम, ईमेल एंड किस लिए कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, यहां पर थोड़ा छोटा सा नोट एंड सेंड मैसेज कर देंगे तो आपके पास में रिप्लाई आ जाएगा। बट ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है कि इनकी ओर से कुछ रिप्लाई आता है, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो कि किस तरीके से हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की बट यहाँ पर बात नहीं हुई। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हम आ चुके हैं व्हाट्सएप के सपोर्ट पे, या देखते हैं ये है व्हाट्सएप का वीडियो, सलाम मोबाइल सपोर्ट, और यहाँ पर हम आ चुके हैं सलाम मोबाइल सपोर्ट के पेज पे, और यहाँ पर आप देखेंगे तकरीबन बहुत देर तक इनसे हमने चैट करने की कोशिश की बट यहाँ पर जब कनेक्ट होते हैं तुरंत ही ये डिसकनेक्ट करके गायब हो जाते हैं 5 मिनट्स में। तो देखते हैं कि आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, क्लिक टू सी ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर एजेंट से बात करनी है कनेक्ट विद एन एजेंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके पास में मैसेज चला गया है, अब आपके पास में एक रिप्लाई आ गया है, रिक्वेस्ट हैज बीन क्यू, इट विल यूजुअली टेक एन एजेंट अबाउट 2 मिनट, यानी कि ये कहते हैं कि हम 2 मिनट में आपकी बात करते हैं, मैक्सिमम 2 मिनट इनके एजेंट लेते हैं असाइन होने के लिए, और 24/7 ये वीक में आपकी मदद करते हैं, 24 आवर्स मदद करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आप यहाँ पर टाइम देख लीजिए, 5:05 हो रहा है और ये एग्जैक्ट 5:10 पर यहाँ पर एजेंट लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि आपकी कनेक्ट नहीं होगी चैट इनसे और उसके बाद में ये लेफ्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, एजेंट हैज लेफ्ट द सेशन, लाइव चैट सेशन एंडेड, 5:10 जैसे हुए, यानी कि 5 मिनट जैसे ही हुआ तुरंत ही इनकी ओर से डिसकनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर व्हाट्सएप सपोर्ट पे इनकी जो सर्विस है महाबकवास है, किसी भी तरीके से आप इनसे कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते व्हाट्सएप पे। अब अगर ये यहाँ पे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपके पास में इनका नंबर आ रहा है 1101, आप इस पे कॉल करके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से भी आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो आपको ये 100% रिप्लाई देंगे, वो है तीसरा ट्रिक जो कि है ट्विटर, आपको आना पड़ेगा ट्विटर पे, ट्विटर पे आने के बाद में आपको यहाँ पर से इनको करना पड़ेगा मैसेज। आ गए हैं ट्विटर पे और यहाँ पर हम आपको ले चलते हैं नोटिफिकेशन में, क्योंकि हमने पहले ही कॉन्टेक्ट किया हुआ है और इनकी ओर से रिप्लाई भी आया हुआ था। ये देख सकते हैं कि हमारी ओर से सर्विस तो चालू है बट हम आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकते हैं, इनका कहना है कि हमारी तरफ से जो सर्विस है इस तरीके की जो दिक्कत आ रही है
ये उनकी तरफ से नहीं आ रही है, बल्कि आपका ही बता रहे हैं कि आपकी ओर से प्रॉब्लम आ रही है। उनका कहना है कि उनकी सर्विस 100% एक्टिवेट है। तो इस तरीके का इनके बाद में इसके बाद में इनका एक मैसेज आता है, वो आई थिंक डिलीट हो गया, क्या हुआ मेरे पास में अवेलेबल नहीं है। सलाम मोबाइल के कस्टमर केयर से किस तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू या फिर मेल के थ्रू, इन तीनों में से किसी के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी बात नहीं होती है तो आपके पास में चौथा ऑप्शन से वो है ट्विटर, जहां पर आपको जाके सर्च करना होगा सलाम मोबाइल ऐसे, एंड वहां से आपको इनको डायरेक्ट मैसेज करना होगा जो भी आपकी प्रॉब्लम है, और वहां विद इन 24 आवर्स ये आपको रिप्लाई जरूर करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। आप सभी को पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप सलाम मोबाइल के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके शेयर जरूर कर दिया, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी आऊँ लाइव या फिर अपलोड करूँ कोई नई वीडियो तब आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।